फ्रेंड्स सब मिलके बोलेंगे गणपति बापा मोरिया। और अभी सुबह का टाइम है और आज गणपति बापा को हमारे घर में है तीसरा दिन। और अभी हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता और नाश्ते में हम बना रहे हैं आज पाव भाजी। तो उसके लिए सिंपल ही खाना बनाना है ना, क्योंकि मतलब बिना प्याज लहसुन का बनाना है। तो बस टमाटर है, शिमला मिर्च और मटर, तीनों चीज़ें ना, और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने एक साथ काट ली। और उसके बाद में तेल गरम करा और उसमें हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, इनको मिक्स कर दिया है। और इसमें हमने साथ में डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, ये सब चीज़ें डाल के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, ताकि ये सारी जैसे मटर है, शिमला मिर्च है, टमाटर, सब चीज़ें ना अच्छे से गल जाए। तो देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं बढ़िया तरीके से। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसको चला देंगे, तो थोड़ा सा ना नीचे जैसे लगने वाला हो रहा था, तो अभी हम इसमें डाल देंगे फाइनली पाव भाजी मसाला। तो बस ये डाल के अब तो उसको मिलाना ही है, तो बस इसको अच्छे से हम लोग मिला देंगे। और ये देखिए हमारा मतलब पाव भाजी के लिए जो हमारी ग्रेवी है वो मतलब बन के जो मसाला है वो तैयार हो गया है। और इसमें अभी मैंने डाल दिए हैं आलू और साथ में पानी। सॉरी गाइस, वाली क्लिप जो है वो मुझसे डिलीट हो गई थी। और उसके बाद में फाइनली जब हमारी पाव भाजी तैयार हो जाती है तो ऊपर से उसमें हम डाल देंगे बटर। मैंने कम डाला है, आप लोग डालना तो ज़्यादा डालना, जितना ज़्यादा बटर होता है ना टेस्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज है गणपति बप्पा का हमारे घर में तीसरा दिन। तो अभी हम लोग पूजा की सारी तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली आज ना मतलब संडे है ना, तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, संडे वाले दिन थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो सब चीज़ें लेट हो गई। फिलहाल पूजा की जो सारी तैयारी है ये लोग कर रहे हैं और मैं भी अभी नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तो बस अभी हम पूजा करते हैं और नाश्ता भी सब तैयार हो गया है, बाकी भोग वगैरह जो भी फल मिठाइयाँ वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने रख दी हैं। मैं दिखाती हूँ, कबीर अपना अलग ही लगा हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए सारी तैयारी अपना इन लोगों ने कर ली है, जितने मैं नहा धो के तैयार हुई हूँ ना सब चीज़ें। मोदक रख दिया, मोदक, धूप घास। गाइस तैयारी तो हमारी पूजा की सब हो गई है, तो बस अब जल्दी से सिर्फ हम लोगों को पूजा करनी है, पूजा करने की देरी है, बाकी तो सब काम हो गया है। तो मैं अपना दुपट्टा ले लेती हूँ। मेरे पास ना इस वाले सूट का कोई दुपट्टा नहीं है, तो ये वाला जो दुपट्टा है ना ये इस पर मैच कर रहा है, तो मैं ये वाला पहन लेती हूँ। सही लग रहा है इस पर मम्मी, देखना मम्मी ये दुपट्टा चल रहा है ना, है ना। तो मैंने कहा ये वाला दुपट्टा अपना पहन लेती हूँ और जल्दी से चलते हैं और पूजा कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने पूजा कर ली है और अभी तो बस प्रसाद जो भोग लगाते हैं ना, प्रसाद पूजा में जो चढ़ाते हैं वो प्रसाद अभी हम बांट देते हैं। जैसे जो हमारे नीचे दो फैमिली रहती है ना, तो वहाँ भी कहते प्रसाद ना देना चाहिए, तो बस वहीं पे बिटिया जाके दोनों घरों में जाके प्रसाद देंगे। टिया प्रसाद दे, टीका भी लग गया है, लगा दे नानी के भी टीका। इधर टीका, इधर टीका, इधर टीके में कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग नाश्ते की तैयारी करते हैं, तो नाश्ते में अभी मैं आपको बता देती हूँ, नाश्ते में हमने आज बनाई है पाव भाजी। क्योंकि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम लोग की कोशिश होती है ना कि अच्छा अच्छा खाना बनाएं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, तो वही है। तो पापा हमारे घर पर आए हैं तो उसके हमने ये रहे दो पाव, पाव के ना दो ही पैकेट मिले हैं गाइस। ये है पाव के पैकेट, एक पैकेट ये रहा और एक पैकेट ये रहा। और भाजी कढ़ाई में बनी हुई है और यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी गई है, मम्मी ने चाय चढ़ा दी थी तो चाय भी ऑलमोस्ट बनी गई है। तो मैं इस भाजी को खैर इसको काट देते हैं, बीच में एक साथ सारे काट के रख देते ना तो फिर इजी रहता है। और अभी मम्मी देखो मेरी यहाँ पे बैठ के ना आटा गूंद रही है आराम से, ठीक है। और अभी हमें करनी है लंच की तैयारी, तो लंच में हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, पूरी और रायता। तो अभी तो मम्मी आटा गूंद रही पूरी का, और सब्जी के लिए मैं मोस्टली देखो अभी तो हमें टमाटर में ही बनानी है ना सब्जी, प्याज लहसुन का यूज़ ही नहीं करना। तो मम्मी ने टमाटर काट दिए, सब चीज़ें काट के रख दी हैं। तो मम्मी कह रहे हैं कि सब्जी तुम छौंक दो बस, मैंने कहा तो चलो ठीक है, सब्जी में तड़का मैं लगा देती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ किचन में और मैंने ना पायल पहनी है,
तो आपका आवाज़ होगी ना छन 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 सी। तो अभी मैं चल रहा ना, मुझे भी अजीब लग रहा है क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ना, और अभी मैंने कहा चलो अभी तो घर में ही हूँ, मुझे कहीं आना जाना भी नहीं है। तो मैंने मुझे मिल गई, मतलब ऐसे ही सामान वामान मैं रख रही थी ना तो मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो पहने था। देखो मैंने ना ये वाला जो स्टैंड है ना, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर करा है। तो यहाँ पे कोने में ना सामान की बड़ी दिक्कत आती थी, तो अब इस पर रख के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आराम से रख दो यहाँ पे, तो अच्छे से मतलब चीज़ें ठीक भी लगती हैं। देखो काफ़ी सारा सामान यहाँ पे आ गया और पता भी चला ये बॉटल खाली है, इसको मुझे फेंकना है, तो इसको यहाँ रख देते हैं, इसको भी फेंक देंगे बाद में। तो फिलहाल यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और ये सारा देख लिया आपने कि मम्मी ने प्याज और सॉरी टमाटर हरी मिर्च काट दी, और मैं यहाँ पे सब्जी बना लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं सरसों का तेल, क्योंकि सब्जी हमें बनानी है सरसों के तेल में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, बस बहुत थोड़े से तेल में हमें सब्जी बनानी है, इतना सा ही लेंगे हम। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, और अभी ये तेल गर्म हो जाएगा ना जब, फिर हम इतने से तेल में मैं सब्जी बना दूँगी। तो गाइस यहाँ पर जो तेल गर्म हो चुका था और उसके साथ में जो पनीर के पीसेस कटे हुए रखे थे ना, तो उनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फ्राई कर लेते ना तो पनीर ना रबड़ की तरह थोड़ा खिंचता है, तो इसलिए हल्का सा जरा से ब्राउन होते ना इसको निकाल देना है। और फिर उसी तेल में मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च डाल, मतलब भून लिए इसको, और उसमें ही मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी और धनिया डाल दिया, ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब थोड़ी देर मतलब मिक्स करके जब मिक्स हो जाएगा ना अच्छे से, फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मलाई। मलाई मेरे पास ना फ्रेश जो मलाई थी वो कम थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले घी निकाला था ना, तो इस वजह से। यहाँ पे मैंने जो मटर है उसको उबलने के लिए रख दी है, तो उससे क्या होगा ना, जो मटर जिस पानी में उबल रहे ना, मैं इसमें तरीके रूप में मतलब वही वाला पानी डाल दूँगी, तो मटर भी उबल जाएंगे और सब्जी जो हमारी वो बहुत जल्दी बन जाएगी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मटर भी उबल चुकी है और तरी भी तैयार हो गई है, तो सारा कुछ मैंने इसमें पलट दिया था। और ये देखिए फाइनल हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में और खाने में भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर टिया ये वाली हम बाल्टी लेके आए थे विसर्जन के लिए, और टिया इसको अच्छे से सजा रही है। गाइस देखिए ये बाल्टी जो हमने विसर्जन के लिए, हम रेड कलर की बाल्टी लाए हैं, और ये हमने ऐसे करके इसको डेकोरेट कर दिया। तब हम इसमें अभी इस बाल्टी में हम विसर्जन करेंगे। तो अभी तो गाइस बाकी हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, खाना वगैरह सब बन गया है, बस मम्मी जो है ना, मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं, और पूड़ियाँ बनते बस भूख लगा देंगे, उसके बाद में फिर आरती करेंगे, और आरती के बाद फिर सीधे हम लोग विसर्जन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सब पापा जाने वाले थे, तो उनको विदा करने से पहले सब लोग पापा के कान में अपनी अपनी जो भी उनकी विश होती है, जो भी प्रार्थना होती है, जो भी उन्हें अरदास करनी होती है, वो सारी उनके कान में बोलते हैं कि पापा हमारी ये वाली आप जो मनोकामना है, जो हमारी अरदास है, इसको पूरी करना। तो सारे लोग मिलकर यहाँ पे कर रहे थे, और टिया यहाँ पे फ्लावर